हाय ब्यूटी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक, जो कि मैंने क्रिएट किया है सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों का यूज करके। ओनली 3 प्रोडक्ट का यूज करके मैंने ये वाला मेकअप लुक किया हुआ है। आज की वीडियो ना स्पेशली उन गर्ल्स के लिए है, उन लेडीज के लिए है जिन लोगों के पास ज़्यादा मेकअप का सामान नहीं है, लेकिन उन्हें मेकअप करना पसंद है, उन्हें सुंदर दिखना पसंद है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से कैसे बहुत ही सुंदर मेकअप कर सकते हो। सो अगर आप भी चाहते हो कि आप कम प्रोडक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों के साथ सुंदर मेकअप कर सके, उसके लिए आप लोगों को हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी पर्सनली कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी। अगर आप उन्हें फॉलो करते हुए अपना मेकअप करोगे ना, तो आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों का यूज करके ऐसे खूबसूरत मेकअप कर पाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है, आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। हे ब्यूटीज, यहाँ पे मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ, तो मेरा फेस एकदम क्लीन है, तो मेरा फेस अभी ना ड्राई हो रहा है क्योंकि अभी विंटर चल रही है और मेरी ड्राई स्किन है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस में एक मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई कर लूँगी। सो मैं यहाँ पे पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप लोग ऑयली स्किन के हो तो आप मॉइस्चराइजर क्रीम को स्किप भी कर सकते हो। और ये ना एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, तो आपको ये ज़रूर कर लेना चाहिए मेकअप करने से पहले। तो अब हम मेकअप शुरू करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ ए फेयर लवली की बेबी क्रीम। सो आज का जो मेकअप है हम इसी से करेंगे। इसको मैं एकदम थोड़ा सा लूँगी, ठीक है, और इसको मैं अपने पूरे फेस में इस तरीके से डॉट डॉट कर लूँगी, और आपको अपना नेक एरिया नहीं भूलना है। थोड़ी सी बेबी क्रीम आपको अपने नेक में भी अप्लाई कर लेना है, जिससे कि नेक और फेस हमारा एक समान दिखे। उसके बाद हम अपनी बेबी क्रीम को ब्लेंड करेंगे, तो उसके लिए आप ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है जिसके पास अगर ज़्यादा मेकअप का सामान नहीं है तो उसके पास ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर भी नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको फिंगर से ही ब्लेंड करके दिखाने वाली हूँ। तो आप अपनी बेबी क्रीम को फिंगर से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। सो आपको अपने फिंगर से टैप टैप करते हुए ब्लेंड कर लेना है, घिसना नहीं है, ठीक है। आराम से ये बेबी क्रीम ब्लेंड हो जाएगी, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप जब भी ये बेबी क्रीम ब्लेंड करो ना, तुरंत ब्लेंड कर लीजिएगा, टाइम ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि जो फेयर लवली की बेबी क्रीम है ना, बहुत जल्दी मैट हो जाती है। सो इसे मैं अपनी फिंगर की सहायता से आराम आराम से पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे अपनी पूरी बेबी क्रीम अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं फिर से वही फेयर लवली की बेबी क्रीम को थोड़ा सा और ले रही हूँ, और इसे हमें अप्लाई करूँगी अपनी अंडर आई में, आईलिड में, जहाँ जहाँ पे हमारे फेस में थोड़ी बहुत डार्कनेस होती है, वहाँ वहाँ पे मैं इस बेबी क्रीम को दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, जिससे कि जो हमारी डार्कनेस है वो कैंसिल आउट हो जाए थोड़ी बहुत। उसको मैंने अप्लाई कर लिया है डॉटर करती हुए, उसके बाद मैं इसे फिंगर से ब्लेंड करूँगी। तो आपको अच्छे से फिंगर से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ, और ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये ब्लेंड हो जाएगी। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है, जो क्रीम है जल्दी से मैट हो जाती है, तो आपको ना तुरंत ब्लेंड कर लेना है, टाइम नहीं लगाना है। सो मैं फिंगर की सहायता से मैंने अपनी अंडर आई, आईलिड में, जहाँ जहाँ पर मैंने अप्लाई किया था, वहाँ वहाँ पर मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। सो आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ ब्लेंड हो रहा है। सो मैं अपने पूरे फेस में, मैंने जहाँ जहाँ पे दोबारा से अप्लाई किया था ना, थोड़ा थोड़ा इन सबको मैं अच्छे से अपने फिंगर से ब्लेंड कर दूंगी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी पूरी बेबी क्रीम एकदम अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है, और ये ना खुद में बहुत ही ज़्यादा मैट है, इसलिए मैं कोई कॉम्पैक्ट वगैरह का यूज नहीं कर रही हूँ। हम कॉम्पैक्ट का यूज नहीं करेंगे, इसे ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैट क्रीम है, कॉम्पैक्ट अप्लाई करने की नीड नहीं है। सेकेंड प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ लिपस्टिक। मैंने यहाँ पे एक लिक्विड लिपस्टिक ली हुई है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक शेड है। तो इसको सबसे पहले मैं अपने हैंड्स में इस तरीके से निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बेजलिन ले रही हूँ। बेजलिन को मैं एकदम थोड़ा सा लूँगी, और मैंने जो लिपस्टिक अपने हैंड्स में निकाल के रखी है ना, उसमें मैं इस तरीके से मिक्स करूँगी। ये मेरा पर्सनली हैक है, मैं इसे यूज करती हूँ, इसलिए मैं इसे आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोग इस तरीके से लिपस्टिक में बेजलिन मिक्स करोगे, उसके बाद इसे एज अ ब्लश की तरह यूज करोगे ना, आपको ना कमाल का रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसको मैंने अपने चीक्स में डॉट डॉट कर लिया है, उसके बाद मैं अपने फिंगर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो इजीली मक्खन की तरह ब्लेंड हो रहा है, और मैं आप लोगों को पास से दिखा रही हूँ, कितना नेचुरल दिख रहा है ना।
सो इसे मैं एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये ना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है। इसमें मैंने बेजनिन अप्लाई किया है ना, तो इसमें हल्की सी शाइनिंग आ जाती है। ऐसा लगता है कि मेरी जो स्किन है, हमारी जो स्किन है ना, नेचुरली अंदर से ग्लो कर रही है। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लुक आता है सच में। उसके बाद उसी को मैंने अपने फिंगर में थोड़ा सा लिया हुआ है और इसे मैं अपनी आईलिड में अप्लाई कर रही हूँ और इसे ब्लेंड कर रही हूँ। इसमें ना बेजलिन मिक्स है, तो आप लोग देख सकते हो हल्के हल्के आपको साइन भी दिख रही होगी। मैं पास से दिखा रही हूँ कितना नेचुरल आई का लुक आ रहा है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक काजल। तो काजल से हम अपनी आईब्रो को फिल करेंगे, ठीक है। सो आईब्रो को फिल करने के लिए हम डायरेक्टली अपनी काजल से अपनी आईब्रो को फिल नहीं करेंगे, नहीं तो आप भूत दिख सकते हो, ठीक है। तो काजल को सबसे पहले हम अपने हैंड्स में इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास इस तरीके का एंगुलर ब्रश है ना, तो आप इसमें हल्का हल्का काजल लीजिएगा और अपनी आईब्रो को फिल कर लीजिएगा। अगर नहीं है ना, कोई बात नहीं, आपके पास इस तरीके का क्यू टिप तो होगा ही होगा। इसमें आपको हल्का हल्का काजल लेना है और अपनी आईब्रो को फिल कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो मैं क्यू टिप की सहायता से अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। और आपकी आईब्रो ना बहुत ही इस तरीके से फिल करोगे ना, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखेंगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अगर आप इस तरीके से अपनी आईब्रो को मॉर्निंग में फिल करोगे, सेट करोगे, तो इवनिंग तक आपकी आईब्रो ज्यों की त्यों रहेंगी। क्योंकि जो हम काजल यूज कर रहे हैं ना, वो स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। सो आप अगर इस तरीके से अपनी आईब्रो को फिल करोगे ना, तो बहुत ही अच्छी दिखेंगी आपकी आईब्रो, नेचुरल दिखेंगी। सो मैं अपनी दोनों आईब्रो को फिल कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, मैं हल्का सा क्यूट्यूब में हल्का हल्का काजल ले रही हूँ एंड अपनी आईब्रो को फिल करते जा रही हूँ। जब आपकी आईब्रो फिल हो जाए ना, उसके बाद अपनी फिंगर से इस तरीके से ऊपर की तरफ कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी आईब्रो का लुक नेचुरल आए। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे वही काजल ले रही हूँ और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी आँखों में। इसे मैं अपनी लोअर वाटर लाइन में अप्लाई करूँगी। और ये जो काजल है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, बहुत ही अच्छा काजल है, अफोर्डेबल भी है, आप लोगों को 100 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने काजल अप्लाई किया है। इसके बाद आपको अपनी अपर वाटर लाइन में भी काजल को अप्लाई करना है। तो आप लोग ना इस तरीके से आँख बंद करिएगा और इस तरीके से काजल को चला दीजिएगा, तो एक काजल आपके अपर वाटर लाइन में भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसी काजल को मैं एज ए आईलाइनर की तरह यूज कर रही हूँ। सो मैं अपनी अपर लिड में एक मतलब नॉर्मल सी थिक सी लाइन ड्रॉ करूँगी, मतलब एकदम थिक भी नहीं करूँगी, थिन नहीं करूँगी, एकदम मीडियम सी लाइन ड्रॉ करूँगी। सो कुछ इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी और आप लोग देख सकते हो लुक कितना अच्छा लग रहा है ना मुझे। ये मतलब ये जो पूरा लुक क्रिएट हुआ था ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लग रहा था। सो इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी आईज में भी काजल को अप्लाई करूँगी। पहले मैं अपनी लोअर वाटर लाइन में अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं अपनी अपर वाटर लाइन में अप्लाई करूँगी और उसके बाद इससे मैं अपनी अपर आईलिड में एक मतलब थिक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पे मेरा काजल अप्लाई हो चुका है। आप चाहो तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं फिर से वही क्यूट्यूब लूँगी और उसमें मैं हल्का सा काजल लूँगी और इसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन में स्मच करूँगी कुछ इस तरीके से। इससे ना और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा आपकी आँखों का। सो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ही सुंदर दिखेगी आपकी आईज़। आप लोग दोनों आईज़ में डिफरेंस देख सकते हो। तो इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी आईज़ में भी काजल को लूँगी हल्का और अपनी लोअर लैश लाइन में स्मच कर दूँगी। और आपको ध्यान रखना है, आप जो काजल यूज करें वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, स्मच प्रूफ होना चाहिए। सो यहाँ पर मेरी आईज़ कम्प्लीट हो चुकी है, कितनी सुंदर लग रही है ना। उसके बाद मैं फिर से वही लिपस्टिक ले रही हूँ और उसको मैं अपने लिप्स में अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही प्यारा सा शेड है, आप चाहो तो इसकी जगह में कोई भी न्यूट्रल की लिपस्टिक लगा सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंदूर अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं मैरिड हूँ, इसलिए मैं सिंदूर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो आप लोग बिंदी और सिंदूर स्किप करके ये वाला मेकअप लोग जरूर क्रिएट करें, आप ना बहुत सुंदर दिखोगे। ये जो मेकअप है ना, मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छा दिखेगा। मैंने मंगलसूत्र पहन लिया है, उसके बाद मैं ये प्यारे प्यारे से झुमके वेयर करूँगी। ये जो झुमके है मैं अभी कल लेके आई हूँ। इसकी जो डिज़ाइन है ना, मुझे थोड़ी सी अलग दिखी, यूनिक दिखी, बहुत ही सुंदर झुमके हैं। तो आप लोग जरूर बताइए कि आप लोगों को ये वाले झुमके कैसे लगे। यहाँ पे मेरा 3 चीज़ों के साथ मेकअप होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल।